हेलो स्टूडेंट्स, एमए क्लासेस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में लीनियर अलजेब्रा पर 2 एमसीक्यूज बताऊंगा। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग ये लेते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट का यूज होगा, सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझिए। यहाँ पर हम लोग देखते हैं इक्वेशन फॉर्म ऑफ ये लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। जो लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आप लोग स्कूल लेवल में भी पढ़ते आ रहे हैं, तो उसको इक्वेशन फॉर्म में कैसे लिखते हैं या क्या होता है इक्वेशन फॉर्म, ये जरा समझिए। हम लोग एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कंसिडर कर रहे हैं। मान लेते हैं कि एक्स वन प्लस टू एक्स टू प्लस फाइव एक्स थ्री प्लस फोर एक्स फोर माइनस एक्स फाइव इक्वल टू 15, एक लीनियर इक्वेशन ये ले रहे हैं। दूसरा लीनियर इक्वेशन ले रहे हैं 3x3 प्लस एक्स फोर प्लस 2x5 इक्वल टू 5, और तीसरा लीनियर इक्वेशन ले रहे हैं 2x4 प्लस 7x5 इक्वल टू 5। अब ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बन गया। इस लीनियर इक्वेशन को इक्वेशन फॉर्म में कब कहेंगे, जरा समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पर इसको कहते हैं लीडिंग अननोन। यहाँ पर 5 अननोन से आप देख रहे हैं और 3 लीनियर इक्वेशंस है, तो ये जो x1 है इसको हम लोग लीडिंग अननोन कहेंगे, जो फर्स्ट में आ रहा है। यहाँ पर लीडिंग अननोन हो गया x3 और यहाँ पर लीडिंग अननोन हो गया x4। तो 3 लीडिंग अननोन है x1 x3 और x4। यहाँ पर x1 x3 और x4 ये 3 लीडिंग अननोन हो गया इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में। तो इक्वेशन फॉर्म में कब कहते हैं, जब लीडिंग अननोन जो होता है वो जैसे ही हम लोग नीचे इक्वेशन की तरफ जाएंगे तो वो राइट साइड होना चाहिए। जैसे इसका लीडिंग अननोन x1 है तो इसका लीडिंग अननोन क्या होना चाहिए, सेकेंड इक्वेशन का इसके राइट साइड वाला कोई भी अननोन होना चाहिए, या तो x2 या x3 या x4 या x5 कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसके जस्ट नीचे वाला इक्वेशन में x3 जो है वो लीडिंग अननोन है, राइट साइड वाला है। अब फिर जैसे ही इसके नीचे जाएंगे तो इसके बाद वाला लीडिंग अननोन होना चाहिए, मतलब इसके राइट साइड वाला। तो इसके राइट साइड में x4 और x5 है, इस इक्वेशन का लीडिंग अननोन x4 या x5 में कोई भी हो सकता है, तो यहाँ पर x4 है। तो जैसे ही नीचे की तरफ हम लोग जाएंगे तो लीडिंग अननोन राइट साइड मूव करना चाहिए, इसके बाद वाला लीडिंग अननोन यहाँ पर होना चाहिए, इसके बाद वाला लीडिंग अननोन यहाँ पर होना चाहिए। अगर इस फॉर्म में इक्वेशंस लिखते हैं तो उसी को कहते हैं इक्वेशन फॉर्म ऑफ ये लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सबसे पहला ये चीज़ हुआ। दूसरा चीज़ देखिए कि जो लीडिंग अननोन है उस लीडिंग अननोन को हम लोग कहते हैं पाइवट वेरिएबल, ये पाइवट वेरिएबल कहते हैं। और इसके अलावा जो भी वेरिएबल बच गया उसको हम लोग कहते हैं फ्री वेरिएबल। तो कौन कौन सा इसके अलावा बच रहा है, x1 x3 और x4 को छोड़ दिया जाए, x1 छोड़ देते हैं, x3 छोड़ देते हैं और x4 छोड़ देते हैं, तो x2 और x5 जो दो वेरिएबल बच रहा है, x2 और x5, इसको हम लोग कहते हैं फ्री वेरिएबल, ये फ्री वेरिएबल कहलाता है। अब जरा समझिए, यहाँ पर जब हम लोग इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का सपोज करते हैं कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आ रहा है, बहुत सारा सॉल्यूशन मिल सकता है क्योंकि नंबर ऑफ अननोन्स यहाँ पर 5 है और नंबर ऑफ इक्वेशंस जो है वो 3 है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलेगा। तो इस इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का अगर हम लोग सेट बना लें, W एक सेट बना लेते हैं, जितना भी सॉल्यूशन मिलेगा x1 x2 x3 x4 x5 x5 तक का, तो ये जो है वो एक 5 टपल्स में लिखते हैं हम लोग, यानी कि इस तरीके से एक सेट बना देंगे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलेगा। तो इस इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का एक सेट बना देते हैं जिसको हम लोग W कह रहे हैं। अब ये जो W सेट बन रहा है उस सेट का अगर हम लोग डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन क्या होता है, जरा देखिए। डायमेंशन जो होता है वो नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स होता है, फ्री वेरिएबल्स यहाँ पर जितना है उसी की संख्या को हम लोग कहेंगे डायमेंशन। तो फ्री वेरिएबल्स यहाँ पर 2 है तो इस सेट का डायमेंशन, इस वेक्टर स्पेस का डायमेंशन 2 हो जाएगा, ये एक वेक्टर स्पेस बन जाएगा। तो इस वेक्टर स्पेस का डायमेंशन 2 होगा, यानी कि इसके बेसिस में कितना एलिमेंट होगा, 2 ही एलिमेंट होगा। और वो कैसे निकालेंगे, उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो फ्री वेरिएबल है उस फ्री वेरिएबल में से एक फ्री वेरिएबल को हम लोग 1 पुट करते हैं और बाकी फ्री वेरिएबल को 0 पुट कर देंगे। तो दो फ्री वेरिएबल है तो x2 को 1 पुट करेंगे और x5 को 0 पुट कर देंगे, वहाँ से एक सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो देखिए वहाँ से अगर सॉल्यूशन निकालें तो क्या आएगा, x2 के जगह 1 और x5 के जगह 0 पुट करते हैं, तो x5 के जगह 0 पुट कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2x4 इक्वल टू 5, मीन्स x4 इक्वल टू आ गया 5/2। अब फिर यहाँ से भी हम लोग सॉल्व करते हैं, x4 तो हम लोग निकाल लिए हैं, अब फिर यहाँ से सॉल्व करते हैं तो x5 के जगह 0 और x4 का वैल्यू हम लोग निकाल कर रखे हुए, तो x3 निकल जाएगा।
3x3 इक्वल टू आएगा 5 माइनस एक्स फोर, तो 5 माइनस एक्स फोर का वैल्यू 5 डिवाइडेड बाय 2, तो 10 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 5 बाय 2 हो जाएगा। x अब 3 को उधर डिवाइड कर देते हैं तो x3 निकल जाएगा, x3 का वैल्यू हो जाएगा 5/6। और अगर हम लोग आगे बढ़ें, x4 तो निकल चुका है, x3 निकल चुका है, अब x1 निकालना है, तो x1 कैसे निकालेंगे, x1 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से x2 का वैल्यू हो जाएगा ये x1 प्लस 2 इंटू x1 x2 का वैल्यू 1 और फिर 5x3 का वैल्यू हम लोग निकाल कर रखे हुए हैं 5/6 प्लस 4x4 का वैल्यू 5/2 और माइनस x5 का वैल्यू 0 इक्वल टू 15। यहाँ से सॉल्व करके x1 निकाल सकते हैं, तो x1 का जो वैल्यू निकलेगा यहाँ पर, अभी हम लोग निकाले नहीं है लेकिन x1 का जो वैल्यू निकलेगा, x2 का वैल्यू है 1, फिर x3 का वैल्यू है 5/6, x4 का वैल्यू है 5/2 और x5 का वैल्यू है 0। तो एक वेक्टर ये निकल गया। इसके अलावा हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का दो फ्री वेरिएबल था, एक फ्री वेरिएबल को 1 पुट किए और दूसरे फ्री वेरिएबल को 0 पुट किए। अब फिर क्या करेंगे, फर्स्ट फ्री वेरिएबल को 0 पुट कर देंगे और सेकेंड फ्री वेरिएबल को हम लोग x5 को 1 पुट कर देंगे। एक बार x2 को 1 पुट किए x5 को 0, एक बार x2 को 0 पुट करेंगे x5 को 1 पुट करेंगे, तो यहाँ से भी एक सॉल्यूशन निकल जाएगा। ये जो सॉल्यूशन आएगा और ये जो सॉल्यूशन आ रहा है, दोनों सॉल्यूशन जो है वो बेसिस में आ जाएगा। तो बेसिस में यही दो एलिमेंट आएगा और ये जो वेक्टर स्पेस बनेगा सॉल्यूशन से, तो वो वेक्टर स्पेस का जो डायमेंशन होगा वो 2 हो जाएगा, क्योंकि बेसिस में दो ही एलिमेंट आएगा। यानी कि बेसिस अगर डायमेंशन निकालना है तो बड़ा आसान है कि नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स जो है वही उसका डायमेंशन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन में इसका जरूरत पड़ेगा, क्वेश्चन क्या है जरा समझिएगा कि लेट वी बी द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिक्स ओवर द फील्ड आर, रियल नंबर है, ओवर द फील्ड आर ऑफ रियल नंबर्स, तो रियल नंबर्स के फील्ड में हम लोग 2x2 ऑर्डर का जितना भी मैट्रिक्स बनता है उस मैट्रिक्स का हम लोग क्या कर रहे हैं, एक वेक्टर स्पेस बना रहे हैं। मतलब भी जो वेक्टर स्पेस है, इस वेक्टर स्पेस में क्या है, मैट्रिक्स का कलेक्शन है, ए बी सी डी इस तरीके से 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स, जहां ए बी सी डी ये जो चारों एलिमेंट है मैट्रिक्स का वो कैसा नंबर है, रियल नंबर है। तो ये वेक्टर स्पेस बन रहा है और B जो है वो एक मैट्रिक्स यहाँ पर दिया हुआ है, इसी वेक्टर स्पेस का एक वैल्यू यहाँ पर एक एलिमेंट दिया हुआ है, और T जो है वो V से V में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, डिफाइंड इस तरीके से हो रहा है, T ऑफ A इक्वल टू ए बी माइनस बी ए, देन व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द कर्नल ऑफ T, अब कर्नल ऑफ T का डायमेंशन क्या होगा, ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड किया गया है उसका जो कर्नल बनेगा उसका डायमेंशन क्या होगा ये निकालना है। तो देखिए कर्नल ऑफ T होता क्या है, इसके बारे में मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, भी से भी में ये वेक्टर स्पेस डिफाइंड किया, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड किया गया है। अब यहाँ पर जीरो एलिमेंट क्या होगा, जीरो एलिमेंट तो जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा, क्योंकि ये मैट्रिक्स का एक सेट है, भी जो यहाँ पर सेट बनाया गया है, वेक्टर स्पेस बनाया गया है, वो 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स स्पेस, तो ये जीरो एलिमेंट होगा। अब कोई भी अगर यहाँ पर एलिमेंट लेते हैं और वो जीरो एलिमेंट के साथ अगर एसोसिएट हो जाता है तो वैसे सारे एलिमेंट के कलेक्शन को कर्नल कहते हैं। तो कर्नल ऑफ टी का हम लोग को डायमेंशन निकालना है, तो हम लोग पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई भी एक एलिमेंट है ए, क्या कर रहे हैं यहाँ पर, लेट ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स हम लोग सपोज कर रहे हैं ए बी सी डी, और ऐसा है एंड ये मान लेते हैं कि इसका जो इमेज आएगा वो जीरो वेक्टर के बराबर है, ये जीरो वेक्टर है उसके बराबर है, तो जो जो मैट्रिक्स का इमेज जीरो वेक्टर के बराबर आएगा, मतलब जीरो मैट्रिक्स के बराबर आएगा, वो सारे मैट्रिक्स के सेट को हम लोग कहेंगे कर्नल ऑफ टी। तो हम लोग ए जो है वो मान लिए कि ये कर्नल ऑफ टी का मेंबर है, ये कर्नल ऑफ टी का मेंबर है, तो कर्नल ऑफ टी का मेंबर है मतलब निश्चित रूप से इसका जब इमेज करेंगे तो वो जीरो एलिमेंट के बराबर आएगा। और टी ऑफ ए का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ से देखिए टी ऑफ ए कैसे डिफाइंड किया गया है, ए बी माइनस बी ए और इक्वल टू यहाँ पर जीरो मैट्रिक्स है। अब ए का वैल्यू हम लोग को पता है ए बी सी डी, और बी का भी वैल्यू पता है, बी यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है, देख रहे हैं 1 2 0 3 1 2 0 3, और माइनस बी ए, बी के जगह 1 2 0 3 और ए के जगह है यहाँ पर ए बी सी डी, और इधर जीरो मैट्रिक्स है तो यहाँ पर 0 0 0 0 लिखेंगे।
अब इस दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए मल्टीप्लीकेशन करने के बाद क्या आएगा, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है तो सिर्फ यहाँ पर ए आएगा, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a+3b आएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ c आएगा, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 2c+3d आएगा, और यहाँ पर अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें इसको इसके साथ तो a+2c आ रहा है, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो b+2d आ रहा है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 3c आ रहा है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 3d आ रहा है, और यहाँ पर है ये 0 0 0 0। आप क्या करते हैं, ये दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देखिए सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आएगा, ए और ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए से माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा -2c, यहाँ और ये सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 2a 3b, में b सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2b और -2d, और c में 3c सब्ट्रैक्ट करने पर -2c, और 2c+3d में ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2c, और इधर है 0 मैट्रिक्स 0 0 0 0। तो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो निश्चित रूप से करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होगा, -2c 0 के बराबर, ये फिर 0 के बराबर, ये 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर। तो देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसको समझिएगा, -2c=0, आप देख रहे हैं -2c=0, फिर ये भी -2c=0, ये भी यहाँ पर 2c=0, वहाँ से तो सेम आएगा, तो डिफरेंट इक्वेशन यहाँ से आ रहा है 2a+2b -2d=0। तो इसको हम लोग पहले लिखते हैं 2a+2b -2d, यहाँ पर है 2b और -2d=0। तो 2 से आप डिवाइड कर दीजिए, a+b -d=0, और यहाँ से आ जाएगा c=0। ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बन गया। और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में अगर फ्री वेरिएबल की बात करें तो फ्री वेरिएबल क्या है, यहाँ पर फ्री वेरिएबल जो है 4 वेरिएबल्स है, a b c d, 4 वेरिएबल्स था, तो जिसमें से a और c जो है वो लीडिंग अननोन है, ये हो गया पाइवट वेरिएबल ac। a और c के अलावा जो बच रहा है, तो a और c के अलावा क्या बच रहा है, b और d। तो ये फ्री वेरिएबल्स जो है वो b और d हो गया, तो नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स 2 है। नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स 2 होने के कारण इसका अब यहाँ पर बेसिस में कितना एलिमेंट होगा, 2 एलिमेंट होगा। बेसिस मीन्स क्या हुआ, हम लोग को निकालना क्या, जरा फिर से समझिएगा, हम लोग को निकालना है वैसा ABCD का वैल्यू ताकि इसका इमेज इसके बराबर आ जाए। ABCD का वैल्यू मतलब इसी लीनियर इक्वेशन को हम लोग को सॉल्व करना है, ABCD अननोन को ही निकालना है। तो ABCD अननोन को निकालने के बाद जितना भी यहाँ पर ABCD निकलेगा उसका एक कलेक्शन बना लेंगे, वही कर्नल ऑफ टी हो जाएगा। कर्नल ऑफ टी की बात करें तो ये जितना भी ABCD निकलेगा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला, ये जो 2 इक्वेशन आया इसको सेटिस्फाई करने वाला जितना भी ABCD निकलेगा उसका एक कलेक्शन बना लेंगे, तो यही कर्नल ऑफ टी होगा। और इस कर्नल ऑफ टी का जो कलेक्शन बन रहा है वो एक वेक्टर स्पेस बन जाएगा, क्योंकि कर्नल ऑफ टी जो होता है वो सब स्पेस होता है इसका। तो उस वेक्टर स्पेस का अब डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन के लिए हम लोग नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स लिख लेंगे, जो यहाँ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आया तो इसमें 2 ही फ्री वेरिएबल्स आया था, बी और डी 2 वेरिएबल फ्री वेरिएबल आया था। तो इसीलिए कर्नल ऑफ टी का जो डायमेंशन होगा, कर्नल ऑफ टी का डायमेंशन की अगर बात करें तो इसका डायमेंशन 2 हो जाएगा। इसको हम लोग न्यूलिटी भी कहते हैं, तो न्यूलिटी इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का 2 हो गया। तो यहाँ पर डायमेंशन ऑफ कर्नल 2 यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, 2 जो है इसका कर्नल का डायमेंशन होगा। तो बड़ा आसान है, कुछ विशेष नहीं, करना क्या है आपको कि ये इस तरीके से डिफाइन किया गया, t(a)(ab-ba) ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन किया गया है। तो हम लोग कर्नल ऑफ टी में कोई भी एक एलिमेंट मान लिए हैं, ये वाला। अब यहाँ पर डेफिनेशन से जब ये कर्नल ऑफ टी का मेंबर है तो निश्चित रूप से इसका इमेज 0 होगा। और इससे हम लोग आगे बढ़े हैं और आगे बढ़ करके हम लोग इक्वेशन बना लिए, तो इक्वेशन जो है यहाँ पर 2 इक्वेशंस आया, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हो गया जिसमें से फ्री वेरिएबल्स 2 था। तो ABCD का जो भी वैल्यू आएगा उसी के सेट से कर्नल बनेगा, कर्नल ऑफ टी तो जब वो बनेगा वो इसी तरीके के मैट्रिक्स के सेट से बनेगा जो इसको यहाँ से सॉल्व करके हम लोग ABCD का वैल्यू निकालेंगे। तो ये कर्नल ऑफ टी का ही डायमेंशन निकालना था, तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स था, नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स 2 है, इसका डायमेंशन 2 हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन ये है, देखिए क्वेश्चन क्या है कि लेट टी फ्रॉम R² to R² बी ए मैप डिफाइंड बाई टी ऑफ x, y = x + y, x - y।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक मैपिंग इस तरीके से डिफाइंड किया गया है, अब कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। फर्स्ट ऑप्शन ए इज टी इज लीनियर एंड इट्स कर्नल हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ आर स्क्वायर। ऑप्शन बी इज टी इज नॉट लीनियर। ऑप्शन सी इज द कर्नल ऑफ टी इज कंसिस्ट ऑफ ओनली टू एलिमेंट्स ऑफ आर स्क्वायर एंड लास्ट ऑप्शन इज न्यूलिटी ऑफ टी इज जीरो। अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए ये जो मैपिंग डिफाइंड किया गया आर स्क्वायर से आर स्क्वायर में इस तरीके से डिफाइंड किया गया है, कई आपको मिला होगा इस तरीके से मैपिंग, तो वो मैपिंग जो है वो जनरली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि सब में लीनियर है, लीनियर वर्ड यूज किया गया, एक में नॉट लीनियर है। तो अभी इसकी हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ लीनियर की बात करते हैं। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में कर्नल हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ आर स्क्वायर फर्स्ट ऑप्शन में है कि कर्नल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। सी ऑप्शन में कर्नल ऑफ टी कंसिस्ट ऑफ ओनली टू एलिमेंट्स ऑफ आर स्क्वायर, कर्नल में सिर्फ दो एलिमेंट होगा। और डी ऑप्शन में है कि न्यूलिटी ऑफ टी इज जीरो, तो यहां पर भी न्यूलिटी निकालने के लिए कर्नल निकालना पड़ेगा। तो ये तीन ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि कर्नल का ही जिक्र है और ये एक ऑप्शन जो है वो नॉट लीनियर है। तो नॉट लीनियर तो होगा नहीं, ये लीनियर निश्चित रूप से होगा, आप वेरीफाई करके भी देख सकते हैं। तो ये लीनियर होगा तो उसको वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, जब आपको मिलता है तो आप सिर्फ कर्नल निकालिए, कर्नल से ही आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि ये यहां पर ओनली वन करेक्ट ऑप्शन सही है। तो सिर्फ हम लोग कर्नल निकाल करके देखते हैं। तो कर्नल निकालने के लिए क्या करते हैं, आप देख रहे हैं इस तरीके से डिफाइंड किया गया। मान लेते हैं कि कोई भी एक्स वाई जो है वो, या एक्स वाई की जगह हम लोग ए बी मान लेते हैं कि ए बी जो टू टपल्स है आर स्क्वायर का मेंबर है, ये मान लेते हैं कि कर्नल टी का मेंबर है, कर्नल ऑफ टी का। तो कर्नल टी का ये मेंबर है, इसका मतलब जरूर इसका इमेज क्या होगा, जीरो वेक्टर के बराबर आएगा, मतलब जीरो कॉमा जीरो आएगा। और टी ऑफ ए कॉमा बी क्या होगा, डेफिनेशन से यहाँ जो डिफाइन किया गया उससे किसी भी वेक्टर का यहाँ पर ए बी टू टपल्स का इमेज क्या होता है, टी ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई कॉमा एक्स माइनस वाई है, दोनों का सम है और दोनों का डिफरेंस है। तो यहाँ पर टी ऑफ ए बी का हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, और ये जो है ये दो टपल्स जीरो जीरो के बराबर है। तो दैट इज ए प्लस बी इक्वल टू जीरो आ रहा है यहाँ पर और ए माइनस बी इक्वल टू भी जीरो आ रहा है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के लिए आप इसको ऐड कर दीजिए, तो ए प्लस ए टू ए हो गया और ये तो कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू जीरो, तो ए का वैल्यू जीरो आ गया और ए का वैल्यू अगर जीरो पुट कर देते हैं तो बी इक्वल टू बी जीरो आ रहा है। तो इसका जो सॉल्यूशन आ रहा है वो जीरो जीरो आ रहा है, मतलब ए का भी वैल्यू जीरो आया और बी का भी वैल्यू जीरो आया। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग माने थे कि ए बी जो है वो कर्नल टी का मेंबर है, तो अब कर्नल टी में सिर्फ एक ही एलिमेंट आ गया, कर्नल टी में कौन सा एलिमेंट आ गया, ए बी अगर मानते हैं कर्नल टी का मेंबर तो ए बी निश्चित रूप से जीरो जीरो आ रहा है, तो कर्नल टी में सिर्फ यही एलिमेंट आ रहा है। तो अब कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, देखिए फर्स्ट ऑप्शन में कहता है कि कर्नल हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये तो नहीं है, सिर्फ एक ही है। सी ऑप्शन में कहता है कर्नल ऑफ टी कंसिस्ट ऑफ ओनली टू एलिमेंट्स ऑफ आर स्क्वायर, ये भी नहीं है। न्यूलिटी ऑफ टी इज जीरो, न्यूलिटी ऑफ टी जीरो हो गया क्योंकि ये जीरो सबस्पेस हो गया, तो जीरो सबस्पेस का डायमेंशन क्या होता है, इसका डायमेंशन जो होता है कर्नल ऑफ टी का, अगर डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन जीरो हो जाएगा और कर्नल ऑफ टी के डायमेंशन को ही न्यूलिटी कहते हैं। तो न्यूलिटी जो है टी का वो जीरो आ गया क्योंकि कर्नल ऑफ टी में सिर्फ सिंगल एलिमेंट है, ये जीरो स्पेस हो गया और जीरो स्पेस का डायमेंशन जीरो होता है और न्यूलिटी कहते हैं इसी के डायमेंशन को, तो इसका डायमेंशन जीरो आ गया, मतलब न्यूलिटी जो है वो जीरो हो गया। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से आप कुछ सवाल कर्नल से रिलेटेड या न्यूलिटी से रिलेटेड आप ट्राई करें आपके बुक में जो भी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर दो एमसीक्यू लेकर के। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मेरे चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलते रहे। और अगर वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो अपना फीडबैक जरूर दें कमेंट बॉक्स में, वीडियो को शेयर करें। और इस वीडियो को देखने के लिए फिर मैं पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।